हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मयूरी। आज आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करने के लिए मैं यहां पे आई हूं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज के मेन टॉपिक की। आज का टॉपिक है यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम, जिसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट और यूके गवर्नमेंट में इमिग्रेशन पार्टनरशिप के ऊपर ये प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो अब इसके बारे में मैं एक एक डिटेल आपको देती हूँ। सबसे पहले कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम की वैलिडिटीज क्या रहती है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगी, आप एलिजिबल हो कि नहीं, वो सारी डिटेल्स मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहली बात है कि ये प्रोग्राम 2 ईयर यानी 24 मंथ की वैलिडिटी पे होता है और ये स्टार्ट होगा जनवरी 2022 यानी कि अब जो अपना नया ईयर स्टार्ट होगा उसके अंदर। तो ये प्रोग्राम में सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि 3 टाइप की चीज़ों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, दूसरा आपको वहाँ पे बिजनेस करना है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और स्टूडेंट वो भी यहाँ पे ये प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है। तो उसके बाद आपको लगेगा कि भाई हमेशा स्टूडेंट के लिए या कहीं पे भी आउट ऑफ इंडिया कंट्री में जाने के लिए आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, बट ये प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी आपको लैंग्वेज टेस्ट या इंग्लिश टेस्ट जैसी कुछ भी चीज़ें आपको एग्ज़ाम या कुछ देना नहीं रहेगा। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद हम बात करते हैं जब आप ये एप्लीकेशन करते हो, या सबसे पहले एप्लीकेशन करते हो बट ये एप्लीकेशन जनवरी में ही इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एप्लीकेशन आपको उसमें एलिजिबल होने के लिए आपके पास 48 आवर का विंडो मिलेगा जिसके अंदर आपको आपकी एप्लीकेशन भरनी रहेगी। और ये एप्लीकेशन के काफ़ी क्राइटेरिया है, अभी तक वो वेबसाइट पे डिस्प्ले नहीं होंगे, जैसे हमारे पास आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे। उसके बाद जब आप प्लान कर रहे हो, जैसे कि अभी बहुत कम टाइम बाकी रहा है जनवरी नेक्स्ट ईयर आने में, तो वहाँ पे आपको जब ये एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास £2500 आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि हर एक ये एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी, बट ये जो प्रोग्राम्स है उसकी एक लिमिट ऐसी है कि एवरी ईयर 3000 एप्लीकेंट को ही यूके अलाउड करेंगी वहाँ जाने के लिए। और ये प्रोग्राम के अंदर आप वहाँ जाके स्टडी भी कर सकते हो, आपका कोई बिजनेस है तो आपको बिजनेस सेटअप करना है तो बिजनेस भी कर सकते हो, और उसके साथ आपको लगता है कि भाई मुझे कुछ बिजनेस के साथ साथ कुछ जॉब भी करनी है तो वहाँ पे काफ़ी सारे आप घर बैठ के भी काफ़ी फ्रीलांसिंग है, वर्चुअल असिस्टेंट्स है, ऐसे काफ़ी प्रोग्राम्स और बिजनेस होते हैं एज आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, और आपको लगता है कि कहीं पे आपको जॉब करनी है तो वो जॉब के लिए भी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई उसकी डिटेल के बारे में। अब आप पूछोगे कि उसमें एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो 18 से 30 ईयर का एज का आपका क्राइटेरिया रहता है वहाँ जाने के लिए। तो ये सारी आपकी एकदम शॉर्ट न्यूज़ में मैंने आपको बता दिया है कि ये जो गवर्नमेंट में यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम स्टार्ट किया है उसकी डिटेल के लिए। अब बाकी की जानकारी जब उनकी वेबसाइट पे अपलोड होगी तो रेस्ट ऑफ डिटेल हम आपके साथ जल्दी ही शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।